आज पहली बार इतने सालों बाद मैंने अच्छे से पूजा किया है। सच बोलो कहीं मिलता ही नहीं था ना। हाँ, ये तो सब विधि है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? हैप्पी करवा चौथ आप सबको। और आज तो पता ही है, सब कुछ काम हो चुका है। सुबह 5:30 बजे उठ गई थी मैं, तो सारा काम कर लिया है मैंने। और मेरी मेहंदी अब जैसे ही लगाया, मुझे खास तौर पे मेहंदी लगाना आता नहीं है, फिर भी मैंने जैसे लगा वैसे लगा लिया। और पूजा वूजा हो गई है, मैंने सुबह का पूजा कर लिया है। भगवान, ये है हमारे भगवान। सब पूजा वूजा कर लिया है मैंने। और इसके बाद अभी तो शाम को फिर इसके बाद फुल तैयार व्यार हो के करेंगे। अभी तो नेल पॉलिश लगाना है मुझे, और पैर में भी लगाना है। तो हमने सोचा कि सबका करने के बाद आराम से पूजा वूजा करके फिर हम नेल पॉलिश वगैरह लगाएंगे। तो अभी बिंदी देख रहा हूँ, मैंने आईब्रोज भी नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं रहा। तो छोड़ो, कोई बात नहीं है, नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती हूँ मैं। सारा काम तो हो ही गया है, तो शाम को मिलते हैं, तब से थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसे चक्कर जैसा आ रहा है। तो ओके, मैंने सेवई बना लिया है, और ये है रायता, और आटा गूंथ के रखा है। अभी नहीं बनाऊंगी, जब चांद का पूजा वूजा कर लूँगी तब मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने छोले बना के रख दिए हैं, और सब कुछ काम हो चुका है अब मेरा। तो मैं पूड़ी छानूंगी 7 बजे। तो अभी मैंने आटा गूंथ के लिए, अच्छे से आटा हो जाएगा। बानी का मूड खराब है, क्यों क्या हुआ? बानी को लगी है भूख, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बना देती हूँ, एक मिनट। तो अभी हमने शाम का खाना और प्रसाद भी बना लिया है, क्योंकि अभी हालत खराब हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत वीकनेस हो रहा है। ऑलरेडी पहले से ही मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और बिना पानी का भी तो बहुत टाइम है रहना है। तो सब कुछ बना भाई, हमारी दीदी लोग आ चुकी है, देखो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लग रही हैं। दीदी कहाँ के है, ढाओगे दीदी? आज ढा दोगे? हाँ, आंटी के पास है ना? तो ये है हमारी दीदी, जो कि दीदी ज्यादातर पूजा पाठ हम लोग से बहुत ज्यादा करती हैं। तो सब लोग एक साथ होके हम लोग पूजा कर रहे हैं, सब दीदी हैं ये सब। तो सब लोग एक साथ बढ़िया, अच्छा भी लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा एक साथ पूजा कर रही हूँ, नहीं तो ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला मुझे ऐसा पूजा करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी साड़ी यही थी, क्योंकि मैंने साड़ी खरीदी थी तो मेरे चॉइस की साड़ी ही नहीं आई फ्लिपकार्ट से, इसकी वजह से। और ब्लाउज़ भी ख़रीदा था तो एकदम छोटा हो गया था, तो मेरे पास ये साड़ी पड़ी हुई थी 2 साल से, तो इसको बिल्कुल भी पहना नहीं था, तो मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। तो मैं दीदी, ये राजस्थान वाली दीदी है, और ये हरियाणा की है,
ये हमारी पूजा पाठ वाली दीदी है, ये हमारी सुंदर वाली दीदी है, ये हमारी पतली वाली दीदी है, ये सबसे पतली वाली दीदी है, सबसे मोटे वाले हम। तो हमारा अभी पूजा स्टार्ट हो रहा है, देखो ना अच्छा लग रहा है ना। तो हम लोग करवा, हम मेरे इधर तो साउथ में करवा मिला नहीं, किसी को मिल गया, बट हम लोग बहुत खोजे नहीं मिला, तो हम लोग इसको आदान प्रदान कर रहे हैं, इधर से उधर घुमा रहे करवा। और इसके बाद चार बार घुमाया था हम लोग ने, घुमाते हुए बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा किया था, क्योंकि हर साल मैं अकेले ही पूजा वूजा कर लेती थी, कोई रहता ही नहीं था, तो इसकी वजह से अभी इस साल तो बढ़िया अच्छे से मैंने करवा चौथ किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। नहीं ये फर्स्ट राउंड है, नहीं ये थर्ड राउंड है, नहीं ये सेकंड राउंड है, नहीं ये सेकंड राउंड है बस, और ये अभी अभी ये थर्ड होने वाला है। हाँ ये थर्ड खत्म होने वाला है। बोल रहे हैं लोटा आप अपने हाथ में ले लीजिए और पांच बार फिर लीजिए। अयो किसको बता रही है, कोई है नहीं, लड़की नहीं है कोई, भाभी है, कोई सुनाने वाला नहीं है, लड़की नहीं है कोई, अरे उस जगह नहीं बगल में सुनने वाले थे कि सुनेंगे हम सुना देंगे, भैया है ना, भैया से लोटा फिरवा लीजिए, आप दीजिए भैया को, भैया आपको देंगे। कितना बार लोटा? चार बार, चार बार, चार बार, चार बार, चार बार, चौथ है ना, चार बार, चार बार, ठीक है ना, चार, ठीक है ना, वो आज जो रख देंगे चांद को, उसको पूरा रख दीजिए। पूजा वूजा करके घर आ चुकी हूँ, अभी चांद निकला नहीं है, 9:19 हो रहे हैं, 9:19 हो रहे हैं, बट अभी तक इधर चांद नहीं निकला है, अभी देखो कब तक चांद निकलता है, तो फिर हम व्रत तोड़ेंगे, देखती हूँ, वेट करती हूँ, नहीं तो ऑनलाइन खेलेंगे और क्या कर सकते हैं। तो बहुत तेज प्यास लगी है, अभी दिखाती हूँ आपको, चांद ही नहीं निकल रहा है, क्या बोलूँ अभी। तो ये है मम्मी, अभी तल रही है कचौड़ी, कितनी स्वादिष्ट कचौड़ी बना रही है मम्मी। तो मम्मी कुछ राय दे दो, कुछ राय देना चाहोगी? दिखाओ। तो हम बना रहे कचौड़ी, हमने 5:30 सारा तैयार कर लिए थे, अभी हम कचौड़ी बना रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ भर के बनता है तो हम भर के बना रहे हैं, और ये आलू भर के बना रहे हैं, मस्त है, इसमें बहुत अच्छा है, ये आलू के जो और रोटी बनते ना वैसे ही आता है। इसके बाद पूरी बना दूंगी थोड़ा सा, पूरी मेरे तो बहुत देखने से ही मन उछल गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना मम्मा। ये है कचौड़ी आलू की, और जिसको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए प्लीज।